हेलो यूनिवर्स, माय नेम इज़ राहुल एंड यू आर वॉचिंग रेसल टॉक। तो आप में से कई सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि अंडरटेकर इतनी जल्दी रिंग में कैसे आ जाते हैं, क्या WWE ने उनके लिए एक अलग सा रास्ता बनाया है, तो इस वीडियो में इसके बारे में सारा ही चर्चा करने वाले हैं। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको वैसे बता दूं, अंडरटेकर एक ऐसे WWE के बड़े सुपरस्टार हैं जिन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स गोल्डबर्ग, स्टोन कोल्ड, ब्रोक लेसनर, इतने बड़े बड़े को सुपरस्टार को उन्होंने हराया है। और अभी तो हमें ज़्यादा WWE में अंडरटेकर के मैच देखने के लिए नहीं मिलते। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो उनकी वैसे भी उम्र हो गई है और WWE ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी, लेकिन अंडरटेकर ने अभी तक कोई भी रिटायरमेंट नहीं ली है, तो हमें एक मैच अभी भी देखने के लिए मिलेगा। वो कब WWE ऑफिशियल कंफर्म कर देगी, ऐसा वैसे पक्का नहीं पता कि WWE कंफर्म करेंगी, लेकिन हमें एक मैच जरूर देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं अंडरटेकर के सीक्रेट एंट्रेंस के बारे में, कैसे अंडरटेकर WWE की रिंग में इतनी जल्दी आ जाते हैं। जब भी अंडरटेकर का थीम सॉन्ग प्ले होता है तो आपने देखा होगा कि जो भी लाइट्स वगैरह वो सभी ऑफ हो जाती है। इसका मतलब यही है WWE अंडरटेकर के सीक्रेट रास्ते को नहीं बताना चाहती कि वो किस तरह से रिंग से बाहर आते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी जहाँ पर ये है कि अंडरटेकर पहले से रिंग के नीचे होते हैं, मतलब शो से शुरुआत होने से पहले अंडरटेकर WWE की रिंग में चले जाते हैं, और जब उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो नीचे से निकल कर रिंग के ऊपर चले जाते हैं, तभी तो वो भाई इतनी जल्दी रिंग में आ जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद WWE ने अंडरटेकर के लिए कोई एक अलग रास्ता बनाया, वो जाता हो नीचे से, वो सीधा अटैच हो WWE की रिंग से, मतलब जब भी अंडरटेकर का थीम सॉन्ग प्ले होता है वो भागकर तो इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, तो शायद उन्होंने एक अलग रास्ता उनके लिए बनाया हो, तो नीचे से जाकर वो रिंग में चले जाए और फटाफट वो रिंग से बाहर निकल जाते हैं। मैंने द फिएंड की एक वीडियो देखी थी, अभी आपको पता है कि ब्रे वाइट का करैक्टर अभी चेंज हो गया है द फिएंड में, अभी उनकी भी एंट्रेंस कुछ इसी तरह से होती है, लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है और वो अचानक रिंग में आ जाते हैं। किसी फैंस ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, जो रिंग होती है उसके नीचे सामान होता है, वहाँ से द फिएंड निकलकर वो रिंग में आए। अगर WWE सच में ऐसे अंडरटेकर की एंट्रेंस करवाती है, मतलब अंडरटेकर पहले ही रिंग के नीचे होते हैं, तो अंडरटेकर के लिए जहाँ पर बहुत ही परेशानी की बात होती है, क्योंकि कोई भी शो जहाँ पर हमें 3 घंटे का देखने के लिए मिलता है, इतनी देर तक सुपरस्टार को नीचे रहना है और जब उनका थीम सॉन्ग प्ले होना है तभी उन्हें रिंग में आना है। सो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी ये वीडियो लगी, और आपको क्या लगता है कुछ ऐसा ही WWE अंडरटेकर के साथ करती है, मतलब जिनकी एंट्रेंस कुछ इस तरह से होती है।